स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री। आज हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी व्याकरण की पुस्तक का। हमारा विषय है संधि। संधि क्या है? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस में ईश, रमेश। यहाँ दो वर्ण आने के बाद में, मिलने के बाद में विकार उत्पन्न हुआ है। आ प्लस ई बराबर ए, रमेश। रमा प्लस में ईश, रमेश। दो वर्णों के विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के विकार सहित मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के विकार सहित मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ विकार सहित मेल व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ विकार सहित मेल व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ विकार सहित मेल विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ विकार सहित मेल विसर्ग संधि कहलाता है। आज हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि दो स्वरों के विकार सहित मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, स्वर कौन से होते हैं? वर्णों में जो वर्ण है होते हैं उनको तीन भागों में स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन और अयोगवा वर्ण। स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। स्वरों का, दो स्वरों का विकार सहित मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर होते हैं 11, ए आ ई ई उ री ए आई ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं। इनका आपस में विकार सहित मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। एक बार पुनः देखते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस में ईश, रमेश। आ प्लस ई बराबर ए। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दो स्वरों के विकार सहित मेल को संधि कहते, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के विकार सहित मेल को संधि, स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। आ प्लस आ बराबर आ। कपि प्लस में ईश, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई, कपीश। दोनों तरफ ये स्वर होते हैं। दो स्वरों का विकार सहित मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इस कार्य को अपनी फिर नोटबुक में करना है और इसको अच्छी तरह याद करना है। एक आगे इन स्वर संधि के भेद की परिभाषा अगले अंक में विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।